हेलो गाइस, आज जो बताना है पेटीएम ऐप से रेन पेमेंट करें। पेटीएम ऐप से रेन पेमेंट करने के बाद पेमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो अकाउंट पे आप रेन पेमेंट करे थे पेमेंट नहीं गए। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, पेमेंट अकाउंट पे नहीं मिला। इसका रीजन क्या है, क्या प्रोसीजर है, पूरा वीडियो में आपको बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक टिप विश्वजीत। पेटीएम ऐप से रेन पेमेंट करने के बाद पेमेंट फेल हो जाए तो पेमेंट कैसे रिफंड लेना, पूरा वीडियो आप देखिए। चलिए शुरू कर रहा हूँ गाइस। फोन में आ गया। फोन में आने के बाद पेटीएम ऐप से जो मैं रेन पेमेंट करा, पेमेंट करने के बाद मेरा पेमेंट सक्सेसफुल बता दिए। सक्सेसफुल बताने के बाद भी मेरा पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है, पूरा वीडियो में बताएंगे। पेटीएम ऐप में ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद पेटीएम ऐप लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए रेन वेयर क्रेडिट कार्ड बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करे तो क्रेडिट कार्ड से आप रेन पेमेंट कर सकते हैं। मैं रेन पेमेंट करने के बाद भी, पेमेंट सक्सेस बताने के बाद भी जिसका अकाउंट पे पेमेंट करे थे उनका अकाउंट पे नहीं गए। मैं एक दिन देखा पेमेंट नहीं आया, दूसरा दिन भी मैं देखा पेमेंट नहीं आया। क्या रीजन से पेमेंट नहीं आए थे, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ से मैं बैक चला जा रहा हूँ गाइस। देखिए मैं बैक आ गया। बैक आने के बाद ऊपर देखिए माय पेटीएम बोल के लिखे सारे, उसका नीचे देखिए पासबुक बोल के लिखे सारे, बैलेंस एंड हिस्ट्री बोल के जो लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस। देखिए ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट बैलेंस एंड हिस्ट्री बोल के लिखे सारे, नीचे देखिए पेमेंट हिस्ट्री बोल के आ रहे, कुछ चेक करना पड़ता। अब जो पेमेंट करे सक्सेस हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए मैं जो रेन पेमेंट करा 20,000 रूपया रेन पेमेंट करा था। 20,000 रूपया कब रेन पेमेंट करा, 9 तारीख को करे थे। 20,440 रूपए यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए रेन पेमेंट बोल के लिखे सारे। उससे बाद देखिए जो UPI ID से मैं पेमेंट करा, यहाँ पे UPI ID भी यहाँ पे है जिसमें रेन पेमेंट मैं करा हूँ। मैं SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा था तो यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस देखिए 20,440 रूपए मेरा काटे सो था मेरा क्रेडिट कार्ड से। मेरा क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट काटे यहाँ पे देखिए राइट बोल के आ गया। राइट बोले तो क्या सक्सेसफुल हुआ तो राइट आता, नहीं तो नहीं आता। यहाँ पे देखिए 20,440 रूपए मेरा पेमेंट करा, राइट बोल के भी आ गया। यहाँ पे देखिए रेन पेमेंट UPI ID यहाँ पे दे दे रहे। इसका नीचे देखिए गाइस देखिए यहाँ पे पी ऑर्डर डिटेल्स बोल के जो लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस। देखिए सिलेक्ट करने के बाद मैं ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट फेल बोल के बता रहे गाइस। यहाँ पे देखिए रेन पेमेंट UPI ID यहाँ पे दे दे रहे। उससे बाद जो 20,000 रूपए मेरा क्रेडिट कार्ड से काटे सो था वो भी अमाउंट यहाँ पे दे दे रहे। इसका नीचे देखिए फेल्ड बोल के बता रहे। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता, चेक करे तो आपको मालूम पड़ता आपका पेमेंट हुआ का नहीं हुआ। जैसा आप सोचते उसका अकाउंट पे पेमेंट तो कर दिए, पेमेंट करने के बाद मेरा पेमेंट क्यों नहीं गया, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता। कोई सोचने का जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर लिए ना, चेक करने के बाद आप फ्री हो जाते पेमेंट क्यों नहीं गया है। कोई वीडियो में बताने का रीजन यही है, पेमेंट आपका फेल हुआ। आप जो अकाउंट पे पेमेंट करते थे वो अकाउंट पे पेमेंट नहीं गया है, यहाँ पे पेमेंट फेल हुआ। ये कभी कभी होता, हर टाइम नहीं होता। कभी सर्वर का प्रॉब्लम रहे तो ये होता, नहीं तो नहीं होता। ये पेमेंट भी जो करा मैं एकदम रात का टाइम पे करे गाइस। यहाँ पे देखिए एकदम ऊपर देखिए टॉप पे 1:10 पे मैं पेमेंट करा रात का टाइम पे, और 9 तारीख को मैं पेमेंट करा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे रहे। तो रात का टाइम पे पेमेंट ज्यादा नहीं करिए, रात का टाइम पे ज्यादा सर्वे का प्रॉब्लम रहते। अब सुबह का टाइम करे तो ये परेशानी नहीं होता। रेंट पेमेंट में हर महीने को करता हूँ, मेरा कुछ भी परेशानी नहीं आते। हर टाइम में रेंट पेमेंट पेटीएम से ही करता हूँ मैं, कभी भी मेरा ये प्रॉब्लम नहीं आया। पहला दिन पूरा दिन भर देखा मैं पेमेंट नहीं गया, दूसरा दिन भी देखा मैं पेमेंट नहीं गया। कस्टमर केयर से मैं बात भी करा, जो मेरा कुछ टेंशन हो रहा था वो टेंशन मेरा क्लियर हो गया। गाइस देखिए यहाँ पे देखिए 1:10 में पेमेंट करा, तो 1:10 बोला तो दूसरा दिन 1:10 बोला तो एक दिन होता। फिर दूसरा दिन में रात को 1:10 रहे तो दूसरा दिन होता। 1:10 के बाद ही आपका पेमेंट जो अकाउंट पे आप पेमेंट करे, जो बैंक पे आप पेमेंट करे, वो बैंक का अकाउंट पे पेमेंट नहीं जाए तो जिससे आप पेमेंट करे, जैसा आप क्रेडिट कार्ड SBI बैंक होगा, एक्सिस बैंक होगा, ICICI बैंक होगा, कौन सा भी बैंक का कार्ड से आप पेमेंट करे तो वो कार्ड के अंदर वो अमाउंट वापस जाता, वो भी आपको बताएंगे। मैं SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करा था। SBI बैंक कितना बड़ा बैंक आपको मालूम है, SBI बैंक सबसे बड़ा बैंक है, वो भी गवर्नमेंट बैंक है, उसमें से भी पेमेंट फेल हो गया सर्वे का कुछ इशू था बोल के। तो ये आपको समझ के चलना पड़ता, पेमेंट आप फेल हुआ तो पैसे आपका 2 दिन फंस जाते, 2 दिन के बाद आपका पेमेंट आपके पास आ जाते। जो कार्ड से आप पेमेंट करे वो कार्ड में ही वापस आता। की बोला तो पेमेंट आपका फेल हो गया, फेल हो जाए तो जो कार्ड से आप पेमेंट करे वही कार्ड में अमाउंट वापस आता। तो ये पूरा बताने का रीजन यही है,
मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके लिए ये पूरा रीजन आपको बता रहा हूँ। किसको भी पैसे का जरूरत है, वो अर्जेंट पैसे निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड से रेन पेमेंट करके पैसे निकालने का सोचते, तो जब पेमेंट आपका फेल हो जाते उन्हें सोचता मेरा पैसे तो फंस गया। तो ऐसा नहीं है, दो दिन के लिए आपका पैसा फंस गया, तीसरा दिन का अंदर आपका पैसा का क्रेडिट कार्ड का अंदर आ जाते। जो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करा था SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड था, SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड का बोल वो पैसे वापस आ गया, क्रेडिट कार्ड में वो पैसे नहीं आया, बैलेंस नहीं आया। बोले तो आप बैंक पे भी जाके बता सकते, यहाँ पे डिटेल्स भी दिए से, यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाते, ये डिटेल्स को लेके जाके बैंक को भी बता सकते। तो यहाँ से मैं बैंक चला जा रहा हूँ। जो SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड था, SBI बैंक का कार्ड में मेरा जो बैलेंस आया, जो पेमेंट मैं करा था 20,440 रुपए, वो बैलेंस मेरा वापस आया, वो भी आपको बताएंगे। SBI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड ऐप्स है, SBI कार्ड चल के जो ऐप्स रहते, मैं लॉगिन करके आपको बताएंगे। यहाँ से मैं बैंक चला जा रहा हूँ। गाइस देखिए, मैं SBI जो कार्ड ऐप में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लॉगिन करके आपको बताएंगे। SBI बैंक का मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा था, मेरे SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड पे रिफंड भी आए, मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। गाइस देखिए, मैं लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स बोल के जो लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइस देखिए, दूसरा नंबर पे जो है अनबिलेड टंगडेस सन बोल के जो है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए 9 तारीख को 11 महीना 2022 को मैं पेमेंट करा, यहाँ पे बता रहे। उसके ऊपर देखिए फिर एक मेरे को मैसेज मिला 9 तारीख 11 महीना 2022। उससे बाद देखिए 10 तारीख को भी एक मैसेज मिला 10/11/2022। यहाँ पे देखिए जो SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए जो एप्स डाउनलोड करके रखे, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का एप्स लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3 बार मेंशन करे, 9 तारीख को मेरे को 2 बार बता रहे पेमेंट, यहाँ पे डिटेल्स बता रहे, फिर 10 तारीख भी एक डिटेल्स बता रहे। उससे बाद देखिए एकदम 13 तारीख 11 महीना 2022 यहाँ पे बोल के आ रहे। यहाँ पे देखिए 13 तारीख को मेरा पेमेंट आ गया, यहाँ पे 5 दिन मेरे को मेंशन कर रहे, 5 दिन मेरे को नहीं लगा। जैसा मैं 9 तारीख को रात को पेमेंट करा, 9 तारीख बोले तो 10 तारीख एक दिन हो गया, 11 तारीख एक दिन हो गया। तो मेरा पेमेंट मेरे को 11 तारीख रात को ही मिल गए थे, यहाँ पे मेंशन कर रहे 13 तारीख का पेमेंट आपका कार्ड के अंदर आ गया बोल के यहाँ पे मेंशन कर रहे। मेरा 2 दिन के अंदर ही पेमेंट आ गया मेरा कार्ड पे। मेरा पेमेंट कितना था 20,440 रुपए, यहाँ पे बात अभी दे रहा हूँ मैं आप। तो आपका डरने का कुछ भी नहीं है, बोलने का रीजन पेटीएम ऐप से रेंट पेमेंट आप कर सकते, कुछ परेशानी नहीं है। आपका पेमेंट फंस जाए तो भी पेमेंट आपका अकाउंट पे ही रहते, जिसके अकाउंट पे आप रेंट पेमेंट करे उसके अकाउंट पे नहीं जाते, आपका कार्ड में ही वापस आता। मेरा कार्ड में ही वापस आया, जिसको रेंट पेमेंट करा उसके अकाउंट पे नहीं गए। पेटीएम से रेंट पेमेंट करने का मेरा चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते, वो भी एक के बाद एक स्टेप बताया कैसे रेंट पेमेंट करना, क्या क्या रीजन है पूरा बताया वीडियो में। ये वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूँ, पेटीएम ऐप से रेंट पेमेंट करे तो पेमेंट फेल हुआ तो भी आपको क्या क्या परेशानी उठाना पड़ता, कितना आपको टाइम लगता, यहाँ पे पूरा वीडियो में आपको जानकारी दी है। एक के बाद एक स्टेप क्या क्या हुआ मेरे साथ वो भी आपको बताया। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया पेटीएम ऐप से रेंट पेमेंट करे तो पेमेंट आपका फेल हो गया, फेल होने के बाद रिफंड कैसे लेना, आपको पूरा वीडियो में एक के बाद एक स्टेप बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।